अधिष्ठान इसमें आपका स्वागत है यहाँ पर हम वन पॉइंट फाइव ईयर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं दिस करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन राइट तो आज हम यहाँ पर पांच टॉपिक पढ़ेंगे इट इज सिर्फ 20 से 25 मिनट्स का ये क्लास होती है जिसके अंदर हम डेली के आपको टॉपिक्स पर पढ़ाते हैं दिस इज लेक्चर नंबर 19 इससे पहले के लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे रखी है उसके अंदर आप देख सकते हैं राइट सो सोइंडली लेट मी नो दैट टाइम ऑर्डेबल ऑन आवर सो कैन स्टार दर एनी बड़ इन द्लास मिथ हम सब सो दैट वी कैन स्टार द लेक्चर यस yes. कोई भी एक बच्चा बता दे कि एम ए अवेलेबल सो दैट वी कैन स्टार्ट आई थिंक आई एम ऑडेबल राइट ओके चलिए तो लेट स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं थर्मोबैरिक बम क्या होता है ये हम समझेंगे रेजाना डायलॉग ये हम समझेंगे राइसेना डायलॉग बायो बाप जी ये अपन समझेंगे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम और ऑपरेशन पोलो सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्यों न्यूज में है ये पहले समझेंगे और उसके बाद फिर हम इन टॉपिक्स को इसके अंदर समझेंगे अच्छा पी के लिए टू डाउनलोड पी डी एफ यू हैव टू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप गिवन इन द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट के अंदर मैं बता दूंगा किस तरह से आपको पी लेनी है राइट

गरीबों का न्यूक्लियर बम ठीक है जो न्यूक्लियर बम नहीं बना पाते और न्यूक्लियर बम नहीं चला पाते तो वो थर्मोबारिक बम को यूज करते हैं ठीक है अब इसके अंदर होता क्या है देखिए चीज में होता क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं ठीक है थर्मोबारिक बम के अंदर है ना दो कंटेनर होते हैं जैसे ये मान लीजिए बॉम्ब है जैसे एक तो ये मिसाइल है मिसाइल के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है तो बॉम्ब के अंदर दो कंटेनर है ऐसे आप इसके अंदर समझते हैं पहला जो कंटेनर है ना इसके अंदर एक्सप्लोजिव है एक्सप्लोजिव है पर एक्सप्लोजिव चार्ज जो है ना वो कैसे होगा जैसे पहला जैसे बम गिरेगा तो पहला स्ट्राइक ये वाला करेगा पहला ये ये कंटेनर गिरेगा ठीक है ये कंटेनर गिरेगा तो उससे क्या होगा कि एक्सप्लोजिव का एक क्लाउड बन जाएगा क्लाउड बन जाएगा एक तरह से का ठीक है मतलब ये एरोसोल के फॉर्म के अंदर फ्यूल जो है इसके अंदर एरोसोल फॉर्म के अंदर होता है और वो एक तरह से क्या करेगा एक तरह से यू फैल जाएगा पूरा ठीक है और फैल गया पूरी जगह क्या है फ्यूल ही फ्यूल है पर अभी आग नहीं लगी है और दूसरा जो है ना दूसरा जो इसका चार्ज होगा वो आकर यहां पर इग्नाइट कर देगा इसको और एकदम से पूरा का पूरा क्या है जो फैला हुआ फ्यूल है उसके अंदर आग लग जाएगी और उससे क्या होगा एक्सप्लोजन हो जाएगा तो एक्सप्लोजिव का फ्यूल जो है पहले कंटेनर में रखा हुआ है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है ऐसे इस तरह से जैसे मान लीजिए पहला बम गिरा ठीक है पहला चार्ज गिरा चार्ज गिरा तो इसके अंदर क्या होगा कि दूर दूर तक ये फ्यूल जो है फैल गया अब दूर दूर तक फैल गया अब इसके अंदर बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है तो इग्नाइट करने के लिए दूसरा एक दूसरा चार्ज होता है वो गिरता है वो इग्नाइट करता है

है ना तो नो no अच्छा यहां पर देखिए कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा नहीं ये वर्क कैसे करता है तो सबसे पहले स्ट्राइक करा स्ट्राइक करा इसका पहला चार्ज ठीक है तो स्मॉल एक्सप्लोजन ए क्लाउड ऑफ द एक्सप्लोजिव मटेरियल एक्सप्लोजिव मटेरियल का पूरा क्लाउड यहां पर रिलीज कर दिया फिर सेकंड एक्सप्लोजन जो होगा वो इग्नाइट कर देगा क्लाउड को और इससे क्या होगा मैसिव ब्लास्ट होगा दैट इज कैपेबल ऑफ वेपराइजिंग ह्यूमन बॉडी इवन ह्यूमन बॉडी को भी वो पूरा वेपराइज कर सकती है उसकी भी कैपेबल है तो थर्मोबारिक लिया अब दूसरा है राइसेना डायलॉग राइसेना डायलॉग का भी एर्थ एडिशन हुआ है ये भी ध्यान रखें एर्थ एडिशन हुआ है अभी कहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर ठीक है तो राई डायलॉग क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं इसके अंदर समझने के लिए हम इसकी वेबसाइट के ऊपर देता है राई डायलॉग की वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पर देखें ये डायलॉग है है ना अच्छा डायलॉग है तो दो लोगों के बीच में होगा डायलॉग राइट तो आप ये देखें इसको दो लोग है ना याद करने के लिए बता रहे हैं सिर्फ दो जो है वो एंटिटीज को क्या करती है इसको आ, इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज करवाती है एक तो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओ इंटरनेशनल बॉडी है एनजीओ टाइप आप समझ सकते हैं और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर ये रायसेना डायलॉग्स यहाँ पर करते हैं ठीक है कहां पर होता है दिल्ली के अंदर होता है रायसेना डायलॉग अब इसके अंदर होता क्या है ये एक तरह से क्या है जियो पोलिटिकल डायलॉग है और जियो इकोनॉमिक्स डायलॉग है भारत के अंदर भारत जो होता है वो जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक तरह से डायलॉग यहाँ पर करा जाता है जिससे कि आज जो ग्लोबल कम्युनिटी के सामने जो चैलेंजेस हैं उसको अपन क्या करें किस तरह से अपन फेस करें ठीक है तो हर साल क्या होता है कि बहुत सारे लीडर्स आते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड मीडिया से रिलेटेड और यहाँ पर डिस्कशन करते हैं किसके बारे में डिस्कशन करेंगे जियो पॉलिटिकल डायमेंशन में डिस्कस करेंगे और जियो इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर चलेगा ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे देखो डायलॉग स्ट्रक्चर इन्हें एज ए मल्टी स्टेक होल्डर्स सब किसके अंदर सब कोई होगा हेड ऑफ स्टेट्स कैबिनेट मिनिस्टर्स लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ज्वाइंट बाय थॉट लीडर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स मीडिया अकेडमिया ये सब मिलकर यहाँ पर डायलॉग करते हैं किसके बारे में करते हैं जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइजेना डायलॉग हमारा है भारत का भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ठीक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये दोनों मिलकर डायलॉग कर रहे हैं ऐसे आप समझ लेंगे इसके अंदर ठीक है याद करने के लिए दूसरा यह है कि

फोर्थ पिलर एंड फिफ्थ प्रीलिम्स के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से पिलर थे किसके रैसेना डायलॉग्स के ठीक तो है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यहां तक सबको क्लियर है है ना अब तीसरा है बाओबास ठीक है बाओबास एक ट्री है ठीक है जिसके बारे में हम यहां पर डिस्कस आज यहां पर करेंगे ठीक है देखो भील ऑफ सेंट्रल इंडिया जो मध्य प्रदेश की स्पेशली उन्होंने अपोज करा अभी न्यूज के अंदर क्यों है ये अपोज करा है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू गिव परमिशन फॉर अप्रूटिंग फॉर द कमर्शियल यूज इन ट्रीज का कमर्शियल यूज के लिए इसको अप्रूट हम यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है अप्रूट इसको कर सकते हैं मतलब इसको उखाड़ सकते हैं ट्री को काट सकते हैं पहले इसका ये था कि ट्री को काट नहीं सकते अब इस ट्री को काट सकते हैं अब देखो ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम सिस्टम बनाकर रखता है अगर आ, अफ्रीका के अंदर हम देखें सवानाज के अंदर तो पूरा इकोसिस्टम ये ट्री ही बनाकर रखता है वहां पर कैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा बस ट्री का पहले स्ट्रक्चर देखो यार ये तो बहुत बड़ा ट्रंक है सर इसका हाँ ट्रंक के बाद फिर यहाँ पर इसके डालियां उसके ऊपर एक एक पेड़ के ऊपर क्या करता है एक फ्रूट भी उगता है बड़ा सारा फ्रूट होता है एक एक फुट के फ्रूट्स यहाँ पर उगते हैं अब क्या होता है ये देखो ये कौन सी कंडीशन में, में उगा हुआ ट्री है और इसका ये है कि इसके अंदर बहुत सारे होते हैं जो पानी को क्या कर रहे हैं रहे है। पानी को सक करते हैं और पानी को ये इकट्ठा कर लेता है जैसे रेनी सीजन के अंदर मान लीजिए पानी आया ठीक है रेनी सीजन के अंदर पानी आया तो पानी को उसने इकट्ठा कर लिया अपने ट्रंक के अंदर और पूर पूरे साल उस पानी को चलाएगा ठीक है क्योंकि रेन तो एक बार ही हो गई फिर बाकी का टाइम पानी को ही पूरा यहां पर इस तरह से चलाएगा, तो तो बाउब जो है ना वो नेटिव्स हैं किसके लिए किसके अंदर अफ्रीका के अंदर ही पाए जाते हैं मड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं और हमारे देश के अंदर भी मध्य प्रदेश वाली एरिया के अंदर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पाया जाता है राइट दे हैव बैरल लाइक ट्रंक देखो बैरल लाइक ट्रंक है ना एक पूरा का पूरा यहां पर बैरल ही है एक तरह हाँ से पर ठीक है और ये ट्रंक के अंदर क्या है पानी भरा हुआ है बहुत सारा ठीक है क्यों क्योंकि इनके अंदर सकलैंड होते हैं वो उसको एब्सॉर्व कर लेते हैं पानी को दे देखो अब देखो बैब ट्री कंडीशन ह्यूमिड बैठी कंडीशन को ह्यूमिड रखता है बिकॉज के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया इसने रेन वाटर के अंदर एक तरह से स्टोर कर लिया

बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं इतना बड़ा फ्रूट ये डेवलप करता है जिसके अंदर टेट्रिक एसिड और विटामिन होता है सर्विंग वैटल न्यूट्रेंट एंड फ्रूड सोर्सेज फॉर मैनी स्पीसीज ठीक है तो ये उस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं होता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या है ड्राई है एडिड टाइम के अंदर तो ये फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंटली काम आता है न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर फुलफिल करता है दे आर ऑल्सो एन असेंशियल सोर्स ऑफ वाटर एन द शेल्टर फॉर हंड्रेड्स ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स लिजार्स मंकीज एंड इवन एलिफेंट्स विच कैन ईट देयर बार्क फॉर द मॉइस्चर वेयर दे इज नो वाटर नियर बाय जब पानी आसपास नहीं होता तो वो बार्क को इसके बार्क को खाकर काम चलाते हैं तो ये बाओबाब एजेंट भी, तो, भी है ये ट्री राइट आयुसीन स्टेटस का क्या है एंडेंजर्ड स्टेटस है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जी टैग के लिए भी अप्लाई कराया है कि भाई ये जो होगा ये ट्री हमारा ही है और मध्य प्रदेश के अंदर उगता है तो ये इंडिकेशन इंडिफिकेशन इसके फ्रूट के लिए भी अप्लाई करा गया है अपना पूरा का पूरा इस टैंक के अंदर ट्रंक के अंदर पूरा का पूरा अपना वाटर स्टोर कर लेगा दूसरा है रूट्स के बहुत लंबे लंबे इधर फैले हुए दूर दूर तक ठीक है और तीसरा ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये बनाकर रखेगा ठीक है इस तरह से यहाँ पर आप इसके अंदर समझ सकते हैं चलिए ये आपको याद रखना है IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड मतलब ऐसा ट्री देख अगर मान लो तुम जा रहे हो कहीं पर इतने में तो तुमको एक ऐसा बड़ा सारा ट्रंक वाला ट्री दिख जाए तो तुम्हारा तुम तो घबरा जाओगे डेंजर लगेगा यार ये तो डेंजर है तो इसलिए एंडेंजर्ड इस तरह से आपको इसको याद रखना है राइट चलिए नेक्स्ट इज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ऐसा बोला है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च करी गई है इंडियन रेलवेज टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल देखो हर जगह कि अगर आप जाएंगे ना स्टेशन पे कभी ट्रेन में सफ़र कराओ तो हर जगह आपको देखेंगे कुछ कुछ कुछ, कुछ यूनिक चीज़ें भारत के अंदर इतनी सारी यूनिक चीज़ें हैं ठीक है थीके? अब ये यूनिक चीज़ें आप गए तो स्टेशन निकल गया आप देखा कि मान लीजिए कोई स्टेशन आया ठीक है उसके अंदर जैसे आसाम है आसाम के अंदर आप आसाम का कोई स्टेशन आया वहाँ पे टी आसाम की टी फेमस है पर आप आपका स्टेशन कहीं और है ठीक है तो आप तो वहाँ से निकल गए अब आप तो खरीद ही नहीं पाए तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि पे, स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे ऐसी शॉप बना कर रखेंगे जैसे मान लीजिए हर जगह की जैसे ये है मान लो किसकी है महाराष्ट्र बैंबो डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा प्रेजेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट नागपुर डिवीज़न नागपुर का कोई रेलवे स्टेशन है इसके अंदर इस ये सारे प्रोडक्ट जो नागपुर के अंदर फेमस है ना वो इसके अंदर यहाँ पर है तो आप जल्दी से उतरोगे ट्रेन में से और खरीद के फिर चले जाओगे तो प्योर मतलब आपको एक तो प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है आपको कोई ऐसे कॉपी वॉपी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और इस तरह से आप हर जो ट्रेन की जर्नी के अंदर हर स्टेशन के ऊपर जो उसका इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है हर जोग्राफी के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है वो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं ठीक है ंडर द स्कीम ओ एसओपी आउटलेट्स रेलवे स्टेशन फॉर दोसिंग सेलिंग एंड विजिबिलिटी टू द इंडिजीनियस लोकल प्रोडक्ट्स सारे लोकल प्रोडक्ट्स वहां पर होंगे उस पर्टिकुलर स्टेशन के दिस ओ एसओपी स्टॉल्स बाय द नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफॉर्मिटी तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है इसके अंदर देखिए इंडिजीनियस ट्राइब्स हैंडलूम्स बाय द लोकल व्यूवर्स ये सारे के सारे यहाँ पर चीजें आर्टिफेक्ट्स यहां पर रखे रहेंगे ठीक है अब देखो इसके बाद हम इसकी वेबसाइट पे गए वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे इसके अंदर जैसे हैंडीक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स टेक्सटाइल हैंडलूम्स ट्रेडिशनल गारमेंट्स लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे मैंने आपको बताया टी प्रोसेस्ड सेमी प्रोसेस्ड फूड ये सब चीजें इसके अंदर होंगी राइट तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर और भी देखिए नीड्स टू बी दैट द आइटम्स प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइंड डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑन अपॉन द स्कोप ऑफ द बिजनेस ऑफ एक्जिस्टिंग लाइसेंस कैटरिंग यूनिट्स ठीक है ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है बस ये देख लेना कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर दे हैं ठीक है इसके अलावा कोई प्रोडक्ट्स नहीं होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है द सेलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स के पार्टिसिपेंट्स जो वन विल बन बायसिंग दट द बेनिफिट ऑफ दिसम रीज द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसायटी है ना तो, तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैटर करते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है होल्डर्स ऑफ आर्टिजन व्यूवर्स आई डी इशूड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर्स इंडिविजुअल क्राफ्टमैन एंड रोल्ड रजिस्टर्ड होते हैं जो ट्राइफेड के अंदर उनको ही यहाँ पर रखते हैं तो ये चीज आप इसके अंदर पढ़ लेना दिस आर वर्ड दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना और मार्जिन के ऊपर ऐसे नहीं कि सेट को बिठा दिया पर ठीक है उसने अपनी एक शॉप खोल ली ऐसा नहीं होता रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है कि आप देखिए नॉमिनल रजिस्ट्रेशन ऑफ़ थाउजेंड रुपीज और लमसम बेसिस आउटलेट इज टू बी आउट चार्ज फॉर द अलॉटमेंट पीरियडी डेज पंद्रह दिन के लिए हजार रुपए के नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर इसके अंदर होती है इलेक्ट्रिक चार्ज शेल बी पेड एज पर एक्चुअल बाय है तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम इसके अंदर ये निटी ग्रिटीज है, है ना ये वेबसाइट के अंदर ही मिलेगी आपको कहीं नोट्स वोट्स के अंदर नहीं मिलेगी तो वेबसाइट के अंदर जाकर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन ने लिख दी

तो क्या होता है इसके कारण देश का बंटवारा और भी बंटवारे हो सकते थे जैसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ही इनके पास ऑप्शन था कि या तो वो इंडिपेंडेंट रहे या पाकिस्तान या फिर इंडिया को ज्वाइन कर लें ठीक है ठीके? ये इनके पास क्या था ये इनके पास एक तरह से आप देखेंगे तो इनके पास ऑप्शन थे तो फाइव प्लस प्रिंसली स्टेट फर्स्ट ईयर और उनमें से एक प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद अब हैदराबाद का जो राजा था ना हैदराबाद स्टेट का जो राजा था वो था मीर उस्मान अली शाह ठीक है और मीर उस्मान अली शाह जो थे ना उस्मान अली शाह ये क्या चाहते थे ये है ना थोड़े कंफ्यूज थे खुद ही कि भाई क्या करें तो इन्होंने कहा सबसे पहले कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे देखिएड इंटेंशन ऑफ कीपिंग स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड डिड नॉट ज्वाइन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कहा ना हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे ना हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे अब इंडिया वाले सोचे यार ये अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी है ना तो यहाँ पर देखिए <coughs> निज़ाम टुक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट द इंडियन गवर्नमेंट गॉट प्री ऑक्यूपाइड विद द कश्मीर वॉर कश्मीर वॉर उस वक्त हो रहा था कश्मीर के अंदर वॉर चल रहा था उस वक्त ठीक है वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपने इन्फिल्ट्रेट्स भेज दिए थे यहाँ पर ठीक है कश्मीर के अंदर और कश्मीर के अंदर हम थोड़े इंगेज थे सून आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ऑल द फोकस रिसोर्सेज वर डायवर्टेड टू वर द पाकिस्तान थ्रेट टू जम्मू एंड कश्मीर तो ये राजा बड़ा खुश होता राजा सोच रहा था हमको तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे अभी अपना कश्मीर ही संभाल ले तो बहुत सही है इनके लिए ठीक है उतना ही ये कर पाएंगे अब क्या होता है 1947 को भारत इंडिया मतलब दिल्ली और हैदराबाद के अंदर एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट होता है स्टैंड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि निजाम जो है वो इस तरह से कहता है कि स्टेटस को रहने दो जैसी सिचुएशन है वैसे ही बने रहने दो आप इसके अंदर इंटरफेयर ना करें ठीक है जब तक सॉल्यूशन ना हो जाता है इस चीज का तब तक आप लोग इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते ठीक है तो देखो द निजाम साइंड स्टैंड स्टील agreement with the India in November 1947. This essentially meant that the status quo would be maintained between the Indian dominion and the Hyderabad state till a solution was found to the imbroglio. ठीक है मतलब इस situation complicated situation के जब तक solution नहीं आ रहा था तब तक status quo वाली situation यहाँ पर चलती रहेगी. The agreement was signed for a period of the one year. एक साल के लिए agreement signed करा गया. ठीक है जिस agreement को अपन ने बोला गया stand still agreement. ठीक है इंडियन गवर्नमेंट वुड नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट को अथॉरिटी यहाँ पर करेगी नहीं और हैदराबाद एंड ऑल कंडीशन टाइम साइनिंग द एग्रीमेंट वुड कंटिन्यू तो इस तरह से एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट यहाँ पर साइन यहाँ पर करा गया क्या किसके द्वारा भारत के द्वारा भारत के गवर्नमेंट और उस वक्त के हैदराबाद के नवाब के द्वारा ठीक है अब देखो हैदराबाद जो था ना वो आप यहाँ पर देखते हैं दिस इज दैदराबाद एट द टाइम और ये हैदराबाद जो है एक तरह से लैंड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मान लो ये कहें कि मैं इंडिपेंडेंट तो भारत की सिक्योरिटी पर हो जाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी इशू या फिर मान लीजिए किसी टाइम पर इसने कहा कि मैं पाकिस्तान को ज्वाइन कर लूंगा तब तो हमारी हालत खराब एक मिनी पाकिस्तान यहाँ पर बन जाएगा भारत के अंदर तो भारत को इसकी प्रॉब्लम पता था कि यार ये इस तरह से होगा और ये जो थे ना ये जो नवाब थे ये थोड़े से इंक्लेनेशन दिखा भी रहे थे पाकिस्तान की तरफ तब भारत को ऐसा लगा कि यार ये तो पाकिस्तान अगर ये बन गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी एक तरह से ठीक है तो यहाँ पर देखो कि बाय द ऑपरेशन पोलो लॉन्च ऑन द सितंबर 13 1948 को हम ऑपरेशन पोलो लॉन्च करते हैं अब ये क्या है यहाँ पर देखो सिचुएटेड इन डैक हैदराबाद वाज वन ऑफ द पॉपुलर स्टेट एंड स्टेट्स ठीक है और उसके अंदर पहले जो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है और गुलबर्ग जो कर्नाटका के अंदर है वो भी इसका पार्ट था द लैंड लॉक स्टेट हैड ए मेजोरिटी हिंदू अब देखो इसके अंदर एक इस स्टेट के अंदर ये भी था कि यहाँ पे मेजोरिटी जो थे वो हिंदू थे और जो रूलर था वो कौन था नवाब था वो मुस्लिम था ठीक है तो यहाँ पर देखो मेजोरिटी जो थे वो हिंदू पॉपुलेशन थे और, और पाकिस्तान well के साथ कॉमन बाउंड्री भी यहाँ पर नहीं थी निजाम एडमिनिस्ट्रेशन इन हैदराबाद स्टिल एग्रीमेंट और उन्होंने क्या करा अपनी खुद की एक आर्मी बनाने लग गए जिनको रजाकार्स कहा गया नवाब जो थे अपना एक रजाकार्स इन्होंने बना लिए और रजाकार्स बना लिए और रजाकार्स अंडर द मेजर जनरल एस एल एड्रोस कमांडर इन चीफ ऑफ द हैदराबाद स्टेट फोर्सेज अब ये लोग क्या करते थे ये लोग है ना वहाँ पर जाकर क्या करते थे वहाँ पर जाकर हमें जो जो कॉमन हिंदूज थे उनको परेशान भी करते थे कॉमन पॉपुलेशन को और इस तरह से इन्होंने एक एट्रोसिटी तरह से एट्रोसिटीज यहाँ पर करने लग गए थे यहाँ की जनता के ऊपर तो फिर हम ऑपरेशन पोलो करते हैं ऑपरेशन पोलो के अंदर क्या है कि मिलिट्री जो होती है भारत की मिलिट्री जो होगी वो पुलिस एक्शन यहाँ पर करा जाएगा यहाँ पर एंटर करेगी और इसको क्या कराएगी इसको यहाँ के हृदयकार से क्या करेगी यहाँ के लोगों को आजाद करवाएगी राइट दिस इज नोन एज वर्ड दिस इज नोन एज ऑपरेशन पोलो जिसकी अभी हम सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी यहाँ पर बना रहे हैं राइट right? सर so, पिछहत्तर साल इसको हो गए राइट दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज दैट्स ऑल फॉर टू क्लास आप देखिए बहुत सारे मॉड्यूलर कोर्सेस से लोग बाग अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं स्टूडेंट्स एस्पेरेंट्स ठीक है जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का मॉड्यूलर कोर्स है जैसे आप देख सकते हैं पॉलिटिका है मॉडर्न हिस्ट्री का है जोग्राफी का है एनवायरमेंट का है जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए आप भी इनका पार्ट बन सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे ये कोर्सेज हैं जिससे कि आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो क्लियरिटी के अंदर अंडरस्टैंड आप यहाँ पर कर सकते हैं राइट सो दैट्स ऑल फॉर टू क्लास मैं आपको बताना चाहूंगा कि पी कैसे आपको लेनी है देखिए पी के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले आप अधिष्ठान इसके इस वीडियो के ऊपर जाएंगे ठीक है चलिए <coughs>

आ, ये देखिए करंट फ्रेंच की प्लेलिस्ट है यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम करनी है ठीक है तो सो दैट फॉर टुडेस क्लास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली है ना सभी बच्चे इसको आ, देखें बार-बार में देखें इस करंट अफेयर्स को जिससे कि आपकी प्रिपरेशन 2024 के लिए पूरी पूरी हो जाएगी राइट सो दैट